असलम सेवन क्लास आज हम एक्सरसाइज नंबर वन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर फाइव करेंगे रिमेनिंग फोर क्वेश्चन हमने कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर फाइव देखें आपके पास गिवन है इफ़ इक्वल्स टू सेट हमारे पास गिवन है ए सी डी एंड एफ़ एंड बी इक्वल्स टू बी सी एफ जी एंड सी इक्वल्स टू सी एफ़ जी एंड एच सेट देन फाइंड फाइंड हमने क्या करना है ए यूनियन इन टू बी यूनियन सी इन बी यूनियन सी हमारे पास ब्रैकेट में है तो सबसे पहले हम सॉल्व किस को करते हैं जो राउंड ब्रैकेट में वैल्यू है तो हमने इन तीनों वैल्यूज़ का यूनियन फाइंड आउट करना है तो तीनों को एक साथ नहीं लिख के करेंगे पहले बी यूनियन सी करेंगे फिर उसका जो आंसर आया होगा उसका ए के साथ यूनियन फाइंड आउट करेंगे देखते हैं इसका सोल्यूशन किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया देन देखें मैंने आपको बताया है सबसे पहले हम ब्रैकेट में जो होता है उसको फाइंड आउट करते हैं ब्रैकेट में हमारे पास है बी यूनियन सी बी यूनियन सी को फाइंड आउट करेंगे बी का सेट मैंने लिख लिया बी हम का सेट हमारे पास गिवन था बी सी एफ़ एंड जी और यूनियन का सिंबल देन सी का सेट मेरे पास क्या गिवन है सी एफ़ जी एंड एच वो राइट right कर लिया ठीक अब इन दोनों को हमने अरेंज करके लिखना है इन दोनों सेट्स में जो वैल्यू आ रही हैं तो मेरे पास इधर बी है इधर सी है इधर एफ़ और जी देन एच ये मैंने अरेंज करके वैल्यूज लिख ली अब मैंने ए का यूनियन फाइंड आउट करना है बी यूनियन सी के सेट के साथ ए की वैल्यू लिखूँगी ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करने लगी तो ए का ए मेरे पास सेट गिवन है ए सी डी एंड एफ़ इसका यूनियन करेंगे ये जो बी यूनियन सी का आंसर आया उसके साथ बी यूनियन सी का आंसर इधर मैंने लिख लिया बी सी एफ जी एच ये सेट आ गया हमारे पास अब इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन फाइंड आउट करना है तो इधर हमारे पास अरेंजमेंट से जब लिखेंगे तो ए आ जाएगा देन बी आ जाएगा सी डी ई हमारे पास गिवन नहीं है एफ़ देन जी और फिर एच इस तरह हमने अरेंज करके वैल्यूज़ को लिख लिया यूनियन में इसका इंटरसेक्शन आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इसी तरह से करेंगे लेकिन उसमें आपने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन मीन्स जो वैल्यूज मैच कर रही हैं सिमिलर हैं वो लिखेंगे देन उसका जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन ए के सेट से फाइंड आउट करेंगे बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह लेकिन सिक्स वाला क्वेश्चन आ जाए आगे सिक्स वाले क्वेश्चन में भी इसी तरह से हमारे पास एक्स वाई जी सेट्स गिवन है हमने पहले एक्स यूनियन वाई यूनियन जी फाइंड आउट करना है और फिर सेकंड पार्ट में एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी फाइंड आउट करना है तो इसमें मैं इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपको करवा देती हूँ यूनियन वाला बिल्कुल सिमिलर फर्स्ट की तरह आप करेंगे और इसमें मैं इंटरसेक्शन करवा देती हूँ ताकि आप बिल्कुल सिमिलर इसी तरह इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी कर सकें होमवर्क ठीक एक पार्ट देखें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी सा उसी तरह से इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है इसमें एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी हमने फाइंड आउट करना है तो मैं सबसे पहले जो ब्रैकेट में है उसको फाइंड आउट करूँगी वाई इंटरसेक्शन जी को पहले सॉल्व so, करूँगी वाई का सेट मेरे पास गिवन है टू फोर सिक्स एट एंड ट्वेल्व इंटरसेक्शन का सिंबल देन जी का सेट गिवन है टू थ्री फाइव सेवन एंड एलेवन दोनों सेट्स में इंटरसेक्शन का मीन जो मतलब जो वैल्यूज दोनों सेट्स में मैच कर रही हैं सिमिलर हैं तो दोनों सेट्स में मेरे पास कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है कॉमन वैल्यू कौन सी है टू जस्ट टू मेरे पास कॉमन वैल्यू है ठीक मेरे पास इंटरसेक्शन इन in दोनों सेट्स का वाई इंटरसेक्शन जी करके टू आंसर आ गया देन अब एक्स का मैंने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है वाई इंटरसेक्शन जी के सेट के साथ जो उसका आंसर है एक्स की वैल्यू लिखूंगी एक्स मेरे पास सेट गिवन है वन टू थ्री एंड ऑनवर्ड टेन तक वन मीन्स के इसमें सारी वैल्यूज़ आ रही हैं वन से लेके कर टेन तक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन मीन्स के ये सेट ये सेट वन से ऑनवर्ड टेन तक सारे नेचुरल नंबर्स इसमें इंक्लूड हैं ठीक वन टू थ्री एंड ऑनवर्ड टेन तक ये मैंने सेट राइट कर लिया एक्स का एंड वाई इंटरसेक्शन सेक्शन जी का मेरे पास क्या आंसर आया है टू वाई इंटरसेक्शन जी का सेट हमारे पास टू है तो वन से लेके कर टेन तक और इंटरसेक्शन टू के सेट में हमारे पास कौन सी वैल्यू मैच करेगी ऑब्वियसली टू क्योंकि इसमें जस्ट है ही टू तो दोनों का कॉमन एलिमेंट टू आ गया हमारे पास ये हमारे पास इंटरसेक्शन करके आंसर आ गया इस तरह से ये दोनों पार्ट आपने करने हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन नंबर फाइव एंड सिक्स इसके दोनों दोनों पार्ट्स आपने कापी उस पर होमवर्क भी करने हैं और प्रैक्टिस भी आज के लिए बस इतना ही ओके अल्लाव फेस टेक केयर